अरे काहे का प्रेशर है, मैं आप मुझे चिल करेंगे, मैं आपको चिल करूँ, खुश रहूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुमित गुलाटी है, मैं एक्टर हूँ और इस समय मैं यूजेनिक्स के साइंस में। पहले तो अलग अलग लोग ये बताने लग जाते हैं, अरे क्या हो गया तेरे बाल कम हो रहे हैं, कुछ हो रहा है कुछ, लेकिन मैं उस इतना मुझे उस चीज़ का प्रभाव पड़ता नहीं था। एक ही स्टाइलिंग में नहीं करता रहूँगा ना, तो वो मुझे अलग स्टाइलिंग में जब प्रॉब्लम आती थी तब मुझे पता चलता था, मुश्किलें लगती, अलग अलग एंगल से दिखता सही नहीं था। जब तक काम करना है तो तब तक ये रहें अपनी जगह पे, जब तक और अलग अलग किरदार में उम्र के हिसाब से मुझे इसकी वजह से कोई खासकर वो ना हो नुकसान, या कोई किरदार का उम्र आगे ना बढ़े कि मैं सडनली जितनी उम्र का वो ज़्यादा उम्र का किरदार मुझे कोई देखने लग जाए जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेयर स्टाइल। सो सुमित सर जी, आपका पूरा आज लंबा प्रोसीजर चला, फाइनली इट केम टू एन एंड। सो जो हमारा गोल था कि बहुत ही ड्रास्टिक भी ना हो, नेचुरल लगे और कोई बता ना पाए कि वो ट्रांसप्लांटेड बाल है, दे शुड बी लाइक टोटली नेचुरल एंड ब्लेंडिंग विद द प्री एग्जिस्टिंग हेयर। एंड हम बड़े कंजर्वेटिव रहे, हमने हेयर लाइन ज़्यादा नीचे भी नहीं लाई है एंड टेम्पल्स हमने अभी नहीं किए हैं, ठीक है, बिकॉज हमको लग नहीं रहा कि आपके फेशियल प्रोफाइल के हिसाब से भी ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ट्रांसप्लांट करने के बाद कभी कभी ट्रांसप्लांट की वजह से थोड़ा सा एरिया शॉक लॉस में जा सकता है, ठीक है। सो टू प्रिवेंट शॉक लॉस आपको यू हैव टू ऑब्जर्व अ वेरी गुड डाइट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ओके। डोंट अप्लाई स्ट्रॉन्ग केमिकल्स और हीट ऑन योर स्कैल्प एंड वी कैन डू पीआरपी, नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर फ्यू मंथ्स वी कैन स्टार्ट पीआरपी इन द नॉन ट्रांसप्लांटेड जोन, नॉट इन द ट्रांसप्लांटेड जोन। सो दैट वुड बी माई एडवाइस। आई एम श्योर यू विल बी मोर देन सेटिस्फाइड वेंस यू सी द रिजल्ट, बिकॉज आपकी ग्राफ्ट क्वालिटी बहुत अच्छी थी, procedure went smooth, bleeding was not much and you were very cooperative. Thank you. नहीं, thank you so much और बहुत बहुत शुक्रिया आपके सारी टीम का, खासकर जब मेरा नॉन ट्रिम उसमें जो टाइम ज़्यादा लगता है डॉक्टर्स का, टीम का बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसमें आपने टाइम पूरा अच्छे से दिया जी। एक होने के बाद भी आप जो आपने देखा कि ये यहाँ कुछ ये एक बार यहाँ किया जाए, तो उसके बाद जब आपने कहा सुपर तो मुझे अच्छा लगा। मैं सोच रहा हूँ शुगर रेस्ट है जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम सुमित गुलाटी है, मैं एक्टर हूँ और इस समय मैं यूजेनिक्स के साइंस में। पहले तो अलग अलग लोग ये बताने लग जाते हैं, अरे क्या हो रहे हैं, तो जैसे कि बताया था कि भाई जब रिजल्ट आएगा तब का तब देखेंगे, तो आए फिर यहाँ पर बातचीत करने सामने आपके, है ना। बनमस्का नहीं आया यार, पता नहीं क्या हुआ, आ गया हमारा बनमस्का और चाय। थैंक यू जी। आप कितने सैटिस्फाइड हैं हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देख के? मैं तो हूँ, आप बताओ आपको देखकर सबको कैसे लग रहा है, जो सामने ऑडियंस देख रहे हैं मुझे लग रहा है वो भी सैटिस्फाई होंगे। अच्छा लगा, ऐसा लगा सर, जल्दी देखना अपने आपको, अपनी जो चीज़ जिस चीज़ ने अपना टाइम लेना है वो टाइम लेगी, धीरे धीरे जब बाल आए उसके शेडिंग फेस में चला गया, उस टाइम पर थोड़ा सा लगा यार अभी तो शुरू नहीं हुआ, शुरू होने से पहले कहानी खत्म हो गई, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, मुझे इंतज़ार है, काम तो अपना उसने कर दिया और अभी काम करेगा, रिजल्ट तो उसने जब आना ही आना उससे, लेकिन पहले उसे आपको परेशान करेगा, वो मैंने सीखा है, तो पेशेंस ज़रूरी है, पेशेंस होनी चाहिए आपके पास। आपके फ्रेंड्स और फैमिली का क्या रिएक्शन रहा रिजल्ट्स हेयर ट्रांसप्लांट के देखकर? कई जानकार रिश्तेदार या जिनको भी जानकारी थी कि ट्रांसप्लांट करवाया, मेरी आँखों में नहीं देखते, मुझे मास्क को देख कर बात करते थे कैसा है, मैंने कहा मेरी आँखें, मैंने कहा ऊपर हो गई भी लग रहा है, फिर लेकिन जब वही अब रिजल्ट अब दिख गया, तो अब भी उनके पहले आँखें आती है लेकिन अब स्माइल भी साथ आती है,
कैसा रहा आपका इंटरेक्शन डॉक्टर्स और टीम यूजेनिक्स के साथ? जो मेरे सवाल थे मैम से संतुष्टिजनक जवाब मिले मुझे। जैसे मैंने पूछा इन फ्यूचर अगर टेम्पल को लेकर, अगर तो मतलब नीड अभी फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी नहीं है, इन फ्यूचर अभी जैसे कोई ज़रूरत पड़ी या कुछ है तब का तब। क्या आपको लगता है ये टेस्टिमोनियल स्क्रिप्टेड है? सामने लग रहा है कि मैंने पढ़ गया बोल रहा है, पूछा है हर जगह तो आके तक नहीं आती पढ़ने के। तो जो भी बातचीत हो रही है हमारी ये अभी अभी जवाब हो रहे हैं, कहीं पढ़ के मैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव वैसे नहीं आएंगे। क्या आप यूजेनिक्स दूसरों को रेकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड क्या करूँ, लोग पहले से चाहते हैं कि वो वहाँ से। और मेरे तो बस ये कि मैं रिजल्ट मेरा जो है सामने रिजल्ट भाई, तो अब तो लोगों को देख कर अफकोर्स और आना चाहिए। तो यूजेनिक्स डू इट वंस डू इट राइट मुझे लगता है।